वेलकम बैक डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 7, दिस इज योर एसएसटी क्लास ज्योग्राफी में हम चैप्टर 10 की रीडिंग कर रहे थे। तो लास्ट वीडियो में क्या हुआ था, हमारा ये टॉपिक जो है क्लियर नहीं हुआ था, तो वो आज हम क्लियर करेंगे। फिजिकल एनवायरनमेंट का कुछ पार्ट रिमेनिंग था, तो इसे हम कंटिन्यू करते हैं। तो हम लास्ट की 2 लाइन्स पर थे, तो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। हाउएवर इट इज़ द 21% रिमेनिंग एंड 1% ऑफ अ मिक्सचर ऑफ CO2 वाटर पेपर ओजोन दैट ओनली प्रोड्यूस इम्पोर्टेंट फीचर वेदर फीचर्स। क्या होता है, जो 21% होता है वो ऑक्सीजन होता है, रिमेनिंग अदर गैसेस का मिक्सचर होता है CO2 का और बहुत सारी चीज़ें जो कि हमारे वेदर के इम्पोर्टेंट फीचर्स को बताता है, जैसे कि क्लाउड्स हुआ, रेन हुआ, बट ऑल्सो हैज़ कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस ऑन ओवर क्लाइमेट ऑफ थ्रो मैकेनिज्म सच एज ग्राउंड ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। और ये ग्रीन हाउस के प्रभाव से जैसे तंत्र के माध्यम से पृथ्वी की समग्र जलवायु पर काफ़ी इफेक्ट डालता है, प्रभाव डालता है। तो अभी हमारा यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर को हम बोलते हैं, मीनिंग होता है स्थल मंडल। द वर्ड लिथोस्फेयर इज डिवाइडेड फ्रॉम द वर्ड स्फेयर कंबाइंड विद द ग्रीक वर्ड लिथोस मीनिंग रॉक। तो जो लिथोस्फेयर शब्द है उसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, फ्रॉम द वर्ड स्फेयर कंबाइंड विद द ग्रीक वर्ड लिथोस। ग्रीक वर्ड लिथोस के साथ स्फेयर वर्ड को जोड़ा गया है। लिथोस का मीनिंग होता है रॉक और रॉक का मीनिंग होता है चट्टान। द लिथोस्फेयर इज द सॉलिड आउटर सेक्शन ऑफ अर्थ विच इंक्लूड्स अर्थ क्रस्ट। जो लिथोस्फेयर होता है वो पृथ्वी का एक ठोस सॉलिड पार्ट होता है, सॉलिड आउटर सेक्शन होता है जिससे पृथ्वी की अर्थ क्रस्ट, जिसमें क्या होता है आउटर सेक्शन ऑफ अर्थ विच इंक्लूड्स अर्थ क्रस्ट, जिसमें क्या इंक्लूड होता है, अर्थ क्रस्ट इंक्लूड होता है द स्किन ऑफ रॉक ऑन द आउटर लेयर ऑफ द प्लैनेट अर्थ। जो कि आउटर लेयर की स्किन होती है वो हमारी अर्थ क्रस्ट होती है, एज वेल एज द अंडरलाइंग कूल डेंस एंड रिकिड पार्ट ऑफ द अपर मेंटल। द लिथोस्फेयर एक्सटेंड्स फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ टू अ डेप्थ ऑफ अबाउट 44 to 62 miles एंड ब्रैकेट 70 to 10 kilometers। लिथोस्फेयर जो है वो अर्थ सरफेस पर लगभग 44 to 62 miles की गहराई तक फैला हुआ है। अगर किलोमीटर में बात करें तो 70 to 10 kilometers की दूरी में फैला हुआ है। माना जाता है कि ये पृथ्वी का बहुत ही ठंडा कठोर खंड और आंशिक रूप से पिघलने वाली सामग्री के ऊपर सीधे तैरता है। इसमें बात करी ना, दिस रिलेटिवली कूल रिगिड सेक्शन ऑफ अर्थ इज बिलीव टू फ्लोट ऑन द टॉप ऑफ द बार्मन नॉन रिगिड एंड पार्शली मेल्टेड मटेरियल डायरेक्टली बिलो। जो पृथ्वी का ठंडा पार्ट है वो टॉप ऑफ द वार्मर पर फ्लोट करता है, तैरता है, और नॉन लिगेड एंड पार्सली मेल्टेड वो मेल्ट होता है नीचे से। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर मीन्स क्या होता है, हाइड्रोस्फीयर होता क्या है। ऑल द वाटर इन इट्स वेरियस फॉर्म प्रेजेंट इन ऑल कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ एनवायरमेंट टुगेदर कंस्टिट्यूट द हाइड्रोस्फीयर। जो भी हमारी अर्थ पर वाटर है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में अर्थ एनवायरनमेंट में, वो एक साथ मिलकर क्या तैयार करता है, हाइड्रोस्फीयर तैयार करता है। मोस्ट ऑफ द वाटर इज प्रेजेंट एज लिक्विड ऑन द अर्थ सरफेस। ज़्यादातर पानी जो है वो हमारी अर्थ सरफेस पर किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, तरल पदार्थ, तरल रूप में है। एंड सम लिक्विड वाटर इज प्रेजेंट अंडरग्राउंड, कुछ वाटर जो है वो अंडरग्राउंड है, जमीन के अंदर है। अ पार्ट ऑफ टोटल वाटर इज
प्रेजेंट एज स्नो, और वाटर का कुछ पार्ट किसमें, स्नो में पाया जाता है और आइस में पाया जाता है ऑन द अर्थ सरफेस, अर्थ की सरफेस पर। वाइल अ सस्टेनेबल पार्ट ऑफ वाटर इज अर्थ एनवायरनमेंट इज ऑल्सो प्रेजेंट एज वाटर वेपर इन द एटमोसफेयर। तो यहाँ पर बोल रहे हैं जबकि पानी का एक बड़ा हिस्सा अर्थ का एनवायरनमेंट भी है, क्योंकि वायुमंडल एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर को रोका जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा बायोस्फेयर। बायोस्फेयर मीन्स, बायोस्फेयर क्या होता है? द बायोस्फेयर इज ऑल लाइफ ऑन आर प्लेनेट। जीवमंडल, बायोस्फेयर को हम हिंदी में बोलते हैं जीवमंडल। जीवमंडल क्या होता है? जो भी हमारे ग्रह हैं, ग्रहों पर जो जीवन है वो हमारा जीवमंडल होता है। दिस इंक्लूड्स ऑल द थिंग्स दैट आर लिविंग एज वेल एज द रिमेन्स ऑफ दोज दैट हैव बीन डाइड बट हैव नॉट येट डिकम्पोज्ड। इसमें सभी चीज़ें शामिल हैं जो जीवित हैं, और साथ ही उन लोगों के अवशेष भी जो मर चुके हैं लेकिन अभी तक डिकम्पोज नहीं हुए। द बायोस्फीयर इंक्लूड्स लाइफ ऑन लैंड एंड इन द ओशन। बायोस्फीयर इंक्लूड्स लाइफ ऑन लैंड, जो भी भूमि पर जीवन है, महासागरों में, और मल्टीट्यूड्स ऑफ प्लैनेट्स, एनिमल्स, फंगी, प्रोटिस्ट एंड बैक्टीरिया। लेट्स रीड मोर, आइए थोड़ा और पढ़ते हैं, ज़्यादा पढ़ते हैं, क्या दे रखा है इसमें। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट एज पर ब्रिटिश लिटरेचर, ये कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।